अपनी लाइफ में इम्पल्सिव डिसीजन लेना व उन डिसीजंस का पूरी तरह से पालन करना और कभी भी परिणामों के बारे में नहीं सोचना, ऐसी लाइफ रही है हमारी आज की एडल्ट स्टार विटनी राइट की, जिन्होंने अपनी लाइफ के लगभग सभी डिसीजंस अचानक ही लिए हैं और सभी डिसीजन लकीली सही भी निकले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। विटनी राइट एक अमेरिकन एडल्ट फिल्म एक्ट्रेस और मॉडल है। इनका जन्म 20 सितंबर 1991 को ओक्लाहोमा यूनाइटेड स्टेट के एक छोटे से टाउन में हुआ था। इनका बर्थ नेम यानी इनका रियल नेम ब्रिटनी रायन विटिंगटन है। इनका और इनकी बड़ी बहन का पालन पोषण इनकी माँ ने किया है और ये बहुत ही अच्छे परिवार से बिलोंग करती हैं। विटनी राइट ने प्री स्कूल से सीनियर तक की पढ़ाई एक प्राइवेट क्रिश्चियन स्कूल में की है। हाई स्कूल के दौरान विटनी बहुत मजाकिया स्वभाव की थी। उन्होंने 15 साल की उम्र में ही अपने पहले बॉयफ्रेंड के साथ अपनी वर्जिनिटी को खो दिया था। विटनी राइट हमेशा से ही एक एक्टिव पर्सन रही है और एक्टिव लाइफ स्टाइल पसंद करती हैं और आज भी जिम जाती है। अपने हाई स्कूल के दौरान विटनी राइट बास्केटबॉल और वॉलीबॉल खेलना पसंद करती थी। विटनी नर्स बनना चाहती थी, इसलिए उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद कॉलेज में दाखिला ले लिया और नर्सिंग और फार्मेसी टेक्नीशियन के तौर पर अध्ययन करने लगी। लेकिन पढ़ाई में मन न लगने के कारण उन्होंने पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया। विटनी को डांसिंग का बड़ा शौक था। एक पोर्न स्टार के रूप में अपना करियर शुरू करने से पहले विटनी ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ओक्लाहोमा, टेक्सास, न्यूयॉर्क, मायामी के क्लब्स में एक स्ट्रिपर के रूप में काम किया। विटनी एक रात अपने पुरुष मित्र के साथ क्लब गई। वह अकेले जाना चाहता था पर विटनी भी उसके साथ चली गई और वहाँ पर उन्हें डांस करता देख एक फीमेल मैनेजर उनके पास आई और उन्हें वहाँ पर जॉब करने के लिए ऑफर दिया। वे उस टाइम नशे में थी और उन्होंने हाँ बोल दिया। उन्होंने वहाँ पर एज ए डांसर जॉब करना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों के बाद विटनी क्लब में सेकंड टॉपर अर्नर बन गई। इसके बाद इन्होंने ओल्ड डांस क्लासेस भी ज्वाइन कर ली। विटनी के मन में एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करने का ख्याल कॉस्मो मैगजीन में छपे एक आर्टिकल को पढ़ने के बाद आया, जो कि एक लड़की के बारे में था जो एक पोर्न स्टार बन गई थी। इस लड़की की कहानी से इंस्पायर होकर विटनी ने अपनी कुछ फोटोज वेबसाइट पर पोस्ट कर दी। उनकी फोटोज एजेंसी को बहुत पसंद आई और एजेंसी ने उन्हें कॉन्टेक्ट किया और एलए आने के लिए बोल दिया। विटनी राइट ने एजेंट से पूछा कि इस काम में वह कितना पैसा कमा सकती है। उस समय नाइट्स में विटनी राइट क्लब्स में काम करती थी और दिन में एक फार्मेसी में काम कर रही थी, पर इन्हें लगता था कि फार्मेसी में काम करने से उन्हें उतना पैसा नहीं मिल रहा जितना उन्हें चाहिए था। फिर उन्होंने सोचा कि अगर वह अच्छा खासा पैसा कमाना चाहती है तो उन्हें काम करने के लिए बाहर जाना होगा और सितंबर 2016 में इन्होंने अपने एडल्ट फिल्म करियर की शुरुआत की और उन्होंने अपना पहला वीडियो एक्टिव गर्ल्स के साथ में शूट किया। 2016 में ही इन्होंने डेविल्स फिल्म, जेरोक और डिजिटल सीन स्टूडियोज के साथ भी काम किया और इन्होंने कुछ समय में ही बहुत से वीडियो शूट कर लिए जिनसे ये ऑडियंस और प्रोड्यूसर्स के बीच में काफ़ी फेमस हो गई थी। विटनी राइट को 2017 में एवियन अवार्ड फॉर हॉटेस्ट न्यूकमर के लिए नॉमिनेट किया गया और 2017 में ही यह लॉस एंजलिस शिफ्ट हो गई क्योंकि इन्हें ओशियन और बीचेस बहुत पसंद थे। सीवर्स विटनी स्पिगलर्स मॉडल भी रही थी। 2018 में विटनी राइट एवियन एंड एक्सबीज अवार्ड्स फॉर बेस्ट न्यू स्टारलेट की नॉमिनी रही और बाद में 2018 में ये एक्सार्को अवार्ड फॉर न्यू स्टारलेट की विनर बनी। इसके बाद इन्होंने माइल हाई, एफएम कॉन्सेप्ट, स्मैश पिक्चर के साथ भी काम किया। ये मॉडल होने के साथ साथ एक डायरेक्टर भी हैं। इन्होंने अब तक इविल एंजल, एडम एंड ईव, मोफोज, डिजिटल सिन, थर्ड डिग्री, नोटी अमेरिका और तुस्सी जैसे बहुत से प्रोडक्शन स्टूडियोज के साथ में काम किया है। इंडस्ट्री ज्वाइन करने से पहले विटनी ने सिर्फ यही सोचा था कि सिर्फ 10 वीडियो करेंगी और पैसा कमाकर इंडस्ट्री को छोड़ देंगी, पर जैसे ही इन्होंने अपनी तीसरी वीडियो शूट की तो इनकी सिटी के सभी लोग इनके काम के बारे में जान गए थे और इनके पेरेंट्स को भी इनके बारे में जानकर बहुत झटका लगा।
पर बाद में उन्हें सिर्फ यही चिंता होने लगी कि क्या वह सेफ है और हैप्पी है। विटनी राइट भी उनसे मिलने जाती रहती है। विटनी राइट ने लगभग 350 से अधिक वीडियोज में काम किया है। इनके बहुत से इनकम सोर्सेस हैं, जैसे मूवीज, स्पॉन्सरशिप, सोशल मीडिया कोलेबरेशन, इवेंट्स आदि, और इनकी नेटवर्थ लगभग 1.5 से 2 मिलियन डॉलर है। इनकी फिजिकल मेजरमेंट आप स्क्रीन पर देख सकते हो। विटनी राइट को ट्रैवलिंग करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, जिसके ऑब्सेशन में ये एक ही साल में 13 कंट्रीज में घूम चुकी थी। इन्हें हिप हॉप और रैप म्यूजिक सुनना पसंद है। अगर बात करें इनके सोशल मीडिया नेटवर्क की, तो ये सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती है। ट्विटर पर इनके 3,65,000 फॉलोअर्स हैं और इंस्टाग्राम पर 1.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। ये सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट को शेयर करती रहती हैं और ये अभी तक अनमैरिड हैं। विटनी राइट के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।